नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम भारत सरकार द्वारा परिसीमा यानी डीमिलिटेशन की तैयारी के बारे में बात करेंगे कि डीमिलिटेशन यानी परिसीमा क्या है, परिसीमा हुआ तो जम्मू कश्मीर में किस तरह का बदलाव होगा, जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज इसका क्यों विरोध कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों इससे जुड़े हुए और भी बहुत से सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, परिसीमा का मतलब होता है किसी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण तैयार करने की प्रक्रिया। इसका मतलब दोस्तों, अगर जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमा हुआ तो राज्य के तीनों क्षेत्रों यानी जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विधानसभा सीटों में बदलाव हो जाएगा। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति में आज तक हमेशा कश्मीर का ही पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा सीटों में कश्मीर की विधानसभा सीटें ज्यादा, जबकि अगर जम्मू क्षेत्र को अगर हम क्षेत्रफल या एरिया की दृष्टि से देखें तो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी कश्मीर से कहीं ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, फिर भी जम्मू में केवल 37 विधानसभा सीटें, लद्दाख में केवल 4 विधानसभा सीटें, जबकि कश्मीर में अकेले 46 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहां ये भी जानना आवश्यक है कि कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, लेकिन दोस्तों इनमें से 24 सीटों को पात अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लिए खाली छोड़ दिया गया है और बाकी बची 87 सीटों पर चुनाव होता है, जिनमें से अकेले कश्मीर के पास 46 सीटें हैं और बहुमत के लिए 44 सीटों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक केंद्र की तैयारी विधानसभा क्षेत्रों का आकार बदलने के साथ साथ कुछ सीटों को अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए रिजर्व करने का भी है, क्योंकि दोस्तों कश्मीर घाटी में गुर्जर, बकरवाल और घड़िया की कुल संख्या केवल 11% है और 1991 में 11% जनसंख्या को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस 11% आबादी वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला रिजर्व है ही नहीं। अब दोस्तों, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर के जातिगत समीकरण को समझा जाए तो जम्मू में 62.55% हिंदू हैं, कश्मीर में 96.40% मुसलमान हैं और लद्दाख में 39.67% बौद्ध हैं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि कश्मीर की ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इसका इतना विरोध क्यों कर रही हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो दोनों कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका गढ़ कश्मीर है और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर से ही आती हैं और जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 44 सीटें चाहिए, जबकि अकेले कश्मीर में ही 46 विधानसभा सीटें हैं, जो बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों, यदि केंद्र सरकार परिसीमा के अंतर्गत कश्मीर के विधानसभा सीटों को कम करके जम्मू में बढ़ा देती है तो कश्मीर से इन देश विरोधी पार्टियों का दबदबा कम होगा और जब इन देश विरोधी पार्टियों का दबदबा कम होगा तो कश्मीर से अलगाववाद और आतंकवाद खत्म होगा और कश्मीर एक नए राह पर चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को भी हटाने का एक नया रास्ता खुलने का चांस बनेगा। डीलिमिटेशन के कारण ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन्स के साथ जस्टिस होगा, इंसाफ होगा और जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनी हुई सरकार बनेगी वो जनता की सरकार होगी, वरना फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया है।